नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कोले। मैं आज आपको दिखाऊंगा सैमसंग 22 इंच का एक एलईडी टीवी है। इसका मॉडल नंबर है, अब देखेंगे नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, इसका फ्रीजिंग प्रॉब्लम है। ये पूरा ओपन करके मैं यहाँ पर रखा, मैं आपको डिटेल्स दिखाऊंगा ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर करता है। तो एक बात है, क्या मेरा यहाँ पर जो अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा 14 दिसंबर से 7 डेज का प्रोग्राम है, वो दिसंबर महीने 14 दिसंबर से स्टार्ट होगा। आप वो प्रोग्राम में अटेंड करना चाहता है तो जो नंबर है इसी नंबर में आप कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और जो फॉल्टी वीडियो है वो स्क्रीन पर आप देख पाएंगे फॉल्टी वीडियो को, और आफ्टर रिपेयर होने के बाद जो पिक्चर आएंगे वो भी स्क्रीन पर आप देखेंगे, पूरा डिटेल्स देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो पूरा तक देखेंगे, एंड तक देखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आपका पास आएंगे तो आप खुद ही रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, आइए इधर आइए, देखिए टीवी का मॉडल नंबर पहले देख दीजिए। देखिए 22UA22F5100AR, ठीक है, इसका मॉडल नंबर देखिए आया है स्क्रीन में आया है, ठीक है। चलिए ये सब मैं पूरा ओपन करके रखा, अब देखिए इधर, ठीक है। मैं एक सेट पूरा कनेक्ट करके रखा पैनल, अब देखिए पैनल का मॉडल नंबर देखा दीजिए इसको, देखिए इधर इधर है पैनल का मॉडल नंबर, वो अच्छी तरफ देख दीजिए 21M215H003, ए फुल SD 5 वोल्ट का पैनल है। ये मैं कनेक्ट किया, आप सोचेंगे सर ये आप क्या कनेक्ट किया है, ये मैं कनेक्ट किया है, इसमें जो पैनल VCC है प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ से बाहर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको एक बार पावर ऑन करके देखिए, देखिए दोस्तों पेशेंस रखिए, पेशेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क प्रोफेशन। तो देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, देखिए पिक्चर रुक जाता है, आप सेट ऑन करेंगे तो आप देख पाएंगे। देखिए मैं पिक्चर एक मूवी ऑन किया है, अच्छा से आप वॉच करिए पहले, तब भी आपको मालूम होगा। मैं आपको अच्छा तरह देखाऊंगा, कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए उसको अच्छा से देखाइए, थोड़ा सा आगे लेकर आइए, इधर लेकर आइए, ठीक है। देखिए देखिए पिक्चर रुक जाता है, ठीक है। देखिए टीवी चलता है लेकिन पिक्चर रुक जाता है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा ये पूरा डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये मेरा बात अच्छे से सुनिए, आपको मालूम हो जाएगा क्या प्रॉब्लम है। ये पिक्चर जो आ रहा है, मैं मालूम हो गया ये उसको जो त्रिकोण बेसिक वोल्टेज है वो जनरेट होता है, पिक्चर रुक जाता है। इसको मैं कैसे सॉल्यूशन क्या है आप देखिए, देखिए रुकता है ना, मैं आपको बोला था। तो ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, देखिए मैं पावर ऑफ करता हूं, देखिए सेट डिस्कनेक्ट कर दिया, पावर डिस्कनेक्ट कर दिया। अब इधर दिखाइए, यहां पर देखिए आ रहा है, आ रहा है, देखिए आ रहा है ना, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा अब देखिए, मैं आपको पूरा तरफ दिखाऊंगा, चलिए
मैं कुछ वोल्टेज मेजरमेंट नहीं किया है अभी तक, ठीक है। 1, 2, 3, 4 देखिए, इसको अच्छा से देखाइए, इमेज देखाइए इसको, ठीक है। तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट एक कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अगेन पावर कनेक्ट किया है, देखिए देखिए सैमसंग लोगो आया। देखिए मैं इसको प्ले करके आपको दिखाऊंगा। देखिए थोड़ा सा टाइम वेट करिए, देखिए कोई फ्रीजिंग नहीं होगा। मैं इसका कुछ वोल्टेज मेजरमेंट नहीं किया, ठीक है। तो क्यों एक वोल्टेज मेजरमेंट क्यों नहीं किया, पिक्चर आ रहा है मींस टीकॉन बेसिक वोल्टेज इज ओके। आपको कोई गेट सिग्नल जो है उसी का प्रॉब्लम है। यहां से डिटेल्स और डिटेल्स लेना चाहता है तो आप मेरा प्रोग्राम में अटेंड करिए, मैं आपको पूरा डिटेल्स देखा बताऊंगा और दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। आप अच्छा से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे तरह वीडियो मैं बनाते रहूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। ओके, और एक बात है, मेरा जो प्रोग्राम है वो अटेंड करना चाहता है तो जो नंबर है, मोबाइल नंबर है स्क्रीन पर आप देखिए, उसी नंबर में आप कांटेक्ट करिए, आप पूरा डिटेल्स मिलेंगे, ठीक है। ओके।